पे आग लगी है यहाँ पे? ये इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे दो कमरों में आग है, एक कमरा आधा जला है और एक कमरा पूरा जल गया है। हाँ, ऊपर आग है। किसकी मकान है सर? ये त्रिदेव भवन करके है, अब किसका है तो सील किया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है बोर्ड सूचना पे, इसकी जानकारी तो अभी है नहीं मुझे। सर कितने कमरे में सर आग लगी है? दो कमरों में आग है, एक कमरा आधा जल गया है, एक पूरा जल गया है। क्या नुकसान है सर? अब कमरों में जो भी सामान रखा था, कपड़े, बेड वगैरह, टेबल, ये सब जला है और कुछ ज़्यादा ऐसा मूल्यवान चीज़ ऐसी देखने में नहीं आई कि जली हो। ये सीज क्या हुआ घर है? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सार्वजनिक सूचना भी लगी है जिला मजिस्ट्रेट जनपद मुख्य आदेश से। अब इसको अभी तो कह नहीं सकते कैसे लगा, किसने लगाया है या शॉर्ट सर्किट से लगाया। शॉर्ट सर्किट से तो हालांकि कोई संभावना है नहीं, क्योंकि सुनने में आया है कि बाहर से जो है लाइट काट दी गई थी पहले से। तो अभी एक आदमी ने बताया है कि कोई रात में यहाँ पे पकड़ा गया था, भूटता हुआ दीवार भूटता हुआ, तो हो सकता है किसी ने जानबूझकर अंदर जाके आग लगाई हो। तो चोरी भी हुई है? ये तो जाँच का विषय है। नहीं, चोरी का मुझे कोई संभावना लग नहीं रही अंदर। सर कितनी गाड़ी दमकल की मौके पर है? दमकल की एक गाड़ी से ही काम हो गया, क्योंकि केवल दो ही कमरों में आग थी, तो दूसरी गाड़ी हालांकि हमने बुलाई है और रास्ते में ही है, लेकिन एक गाड़ी से ही हमारी आग पूरी पूर्ण रूप से काबू पे आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज कैसे ही आग लग गई है? हाँ, वो फोन किया, घर में आग लगा हुआ है। हाँ, घर क्या है? चोर घुसा था अंदर? अंदर चोर घुसा था? नहीं, घुस रहा था तो पकड़ लिया गया रात को। आज आग कैसे लगी है? रात चोर तो अंदर तो गए, वही लगाया होगा। अच्छा, इसलिए तो लाइट सब काट दी गई थी घर का, कोई एलसीडी गिरा गया था उसी भी। क्या क्या नुकसान हुआ है? अंदर सर ये तकलीफ का चीज का बहुत सारा सामान जब और सामान नुकसान हो गया, जिस हिसाब से जल रहा है। कब कुर्की की गई थी इसकी? कब पूर्ति की गई थी? 6-9 को। 6-9 को। अच्छा, घर के बाहर ताला लगा हुआ है और सील हुई अंदर है। अंदर भी ताला तोड़ दिए सब अंदर का, तो चोर रात को बताया कि सारे ताला हमें तोड़ दिए, घर में कोई सामान बचा नहीं है। क्या घर को सीज किया गया था? क्या सीज किया गया? कितने का पुलिस कितने का मकान था? पुलिस स्कूल की कितने का मकान था? ये 46 करोड़ 70 लाख सरकार ने बताया दिए था। अच्छा, कैसे पता चला है आप लोगों को? ये बगल वाले फोन किए, क्या घर में आग लगा है, धुआं निकल रहा है। हाँ, जो बगल में रहा है वही बताया। वो लोग पकड़े गए हैं? एक लोग रात में पकड़े गए थे, तीन औरतें भग गई। वो लोग आदमी सोचे कि सारा छेड़खानी दिखा देंगे, सब औरतें चली गई। चोरी भी हुई है? तो चोर खुद कह रहा था कि सब सामान आप लोग नहीं गए थे अंदर। अरे हम कैसे जाएंगे भाई, सील है, हम चोर है तो जाएंगे। क्या लगता है कितने का नुकसान हुआ होगा? अभी कम से कम 1.5-2 करोड़ का नुकसान हुआ होगा हमारा। जितना सामान था कुछ नहीं है घर में जलने की वजह से? नहीं, वो सामान चोरी हो गया रात में बता दिया, सामान तो उठा ले गए हम लोग। आपको नहीं लगा दिया? अब उसके साथ ही कई लोग है, लालू का कोई भाई भी है, वो बता रहा था उसका नाम लालू यादव, जो जिसका इनकाउंटर हो गया। ये कह रहे थे कि आप कौन है? हम उमेश सिंह के छोटे भाई हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। तो लालू जो अपराधी है जिसका इनकाउंटर हुआ, उसका भाई भी, वो बताया ना चोर जो पकड़ा गया, उसका भाई भी साथ में, हम लोग गैंग बना के इसमें सब चोरी किए हैं। अभी आप लोगों ने देखा सुना जाना कि कैसे भाजपा अपना पक्ष रख रही है, उसके पदाधिकारी अपनी बात कह रहे थे, लेकिन प्रधान संगठन का जो कार्य प्रणाली है, जो शैली है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका बहुत लोगों ने विरोध किया है।